आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत साबित किया, कांग्रेस ने बहुमत के तरीके पर जताया ऐतराज। शिवराज ने रेड्डी को हटाकर इकबाल को बनाया मुख्य सचिव, कहा पहली प्राथमिकता कोरोना का खात्मा। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने टाला राज्यसभा चुनाव, अब अप्रैल में होगा राज्यसभा का फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या, ग्वालियर जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू। और WHO ने कहा तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन भारत के कदमों को WHO ने सराहा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में बहुमत साबित किया है। हालांकि इस पर कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशासनिक सर्जरी शुरू की और सबसे पहले अपने भरोसेमंद अफसर इकबाल सिंह बैस को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही एक दिन पुरानी चौहान सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। चौहान ने विशेष सत्र के पहले एक दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद विश्वास मत पेश किया, जिसके आसंदी पर आसीन सभापति जगदीश देवड़ा ने पारित करने के लिए मतदान की औपचारिकता कराई। सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस दौरान हुए मतदान में विश्वास मत को ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों ने भी विश्वास मत के पक्ष में मतदान किया है। अतएव सभापति तालका के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जगदीश देवला जी ने अध्यक्षता की थी। उन्होंने बैठते ही इनका आभार व्यक्त किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से संबंधित सावधानियों का जिक्र किया और विश्वास का प्रस्ताव रखा। वर्तमान उपस्थित 206 सदस्य 22 के इस्तीफे के बाद 103 चाहिए आधे और 104 बहुमत के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 107 संपूर्ण उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवाद वाली पार्टी और निर्दलियों के समर्थन के बाद हमने पूर्ण बहुमत से भी अधिक लगभग 8-10 लोगों का समर्थन प्राप्त किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यपाल ने सरकार को 15 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था, इसीलिए वे विश्वास मत पेश कर रहे हैं। सभापति देवड़ा ने विश्वास मत प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही 27 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि इस सारी कार्यवाही पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस बारे में ट्वीट भी लिखा है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र में तानाशाही की फिर शुरुआत। सरकार कल बदलती है, कल सरकार के एक मुख्यमंत्री बनते हैं, रात 12:30 बजे एक सत्र को आहूत किया जाता है, जो सत्र 26 तारीख से लगना था, जिसके लिए सब लोग प्रिपेयर थे कि विधायक क्षेत्रों से आ जाते, अपनी तैयारी के साथ आ जाते, उसे रात को 12:30 बजे घोषित किया गया कि सुबह से सत्र लगना है। कई विधायक क्षेत्रों के अंदर है, कई विधायक भी इस गंभीर बीमारी से, समस्या से अपने क्षेत्रवासियों के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान फैला रहे। पूरे प्रदेश में कई जगह पर लॉकडाउन है, खास तौर से दो शहरों में इंदौर और भोपाल में कर्फ्यू की स्थिति है और उसके बावजूद सत्र को लगाना असंवैधानिक है। दूसरी तरफ शिवराज ने बहुमत साबित होने के बाद अपने भरोसेमंद अफसर इकबाल सिंह बैस को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मुख्य सचिव बनाए गए M. गोपाल रेड्डी को हटा दिया गया है। इसके बाद CM शिवराज सिंह एक प्रशासनिक सर्जरी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को गंभीरता से लेते हुए जनता से अपील की है कि सभी लोग घर में रहें। शिवराज ने कहा जनता उनके लिए भगवान है। उन्होंने कहा कोरोना से मुकाबला करना है तो घर में रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की चौथी बार कमान संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता प्रदेश को कोरोना से मुक्त करना है। शिवराज ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, कोरोना से सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी है। शिवराज ने कहा, जनता मेरे लिए भगवान है, जनता की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, कोरोना से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के बाद पहला ट्वीट भी कोरोना वायरस को लेकर ही किया था। आज दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, कोरोना दुनिया पर, हमारे देश और प्रदेश पर भी कहर बनकर टूटा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना है, इससे लड़ना है और लड़के इसको हराना है। और कोरोना का हराने का सबसे प्रभावी उपाय है अपने घरों में रहना, लोगों के संपर्क में ना आना। ये संपर्क की कड़ियां हमको तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि घर के बाहर अगर हम निकले और किसी कोरोना कैरियर के संपर्क में आ गए तो वो हमें भी अपना ग्रास बना लेगा। इसलिए मेरी विनम्र अपील है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है, आपकी जिंदगी बचाना, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना यह हमारा कर्तव्य है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आप कृपया करके घरों से बाहर मत निकलिए, अपने आप को घर में रखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी को लेकर कहा कि विधायकों को विधानसभा सत्र की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे विधानसभा नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह के निवास पर कमलनाथ पहुंचे और शिवराज सिंह और उनके बेटे से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि विधायकों को विधानसभा की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे विधानसभा नहीं पहुंचे। विश्वास मत हासिल करना एक औपचारिकता थी जो पूरी करनी थी। कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि यह सरकार विकास के जो काम करेगी हम उसमें उसके साथ हैं, यही हमारा लक्ष्य है। ये सोचना नहीं थी बहुत सारे विधायकों की, और ये विश्वास पर करना है औपचारिक लग जाएगी ले लेना भाई। अभी मैंने मुख्यमंत्री ले लेना सकती भाई, क्या कर मेरा और हमारे मध्य प्रदेश के विकास की और हम चाहते हैं जो मेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य आज की सरकार का भी हो मध्य प्रदेश के विकास का एक न्याय इतिहास। कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग ने राज्यसभा का चुनाव स्थगित कर दिया है। यह चुनाव 26 मार्च को होना था। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के दो दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। कोरोना का साया राज्यसभा चुनाव पर भी नजर आया है और चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को स्थगित कर दिया है। संभव है ये चुनाव अब अप्रैल में होंगे। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटें रिक्त हो रही है जिन पर 26 मार्च को चुनाव होना था, जो अब बाद में होगा, जिसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह फूल सिंह वरैया और भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया व सुमेर सिंह सोलंकी आमने सामने हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने मत पत्रों के प्रकाशन के लिए भेज दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासी उठापटक के चलते कमलनाथ सरकार ही चली गई। जो गणित पहले कांग्रेस के पक्ष में था आज वह भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। अभी विधानसभा में प्रभावी सदस्य संख्या 206 है जिसमें भाजपा के 107 विधायक हैं। ऐसे में भाजपा को अपने खुद के 107 वोटों से ही दो राज्यसभा सीटें मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये चुनाव स्थगित हो गया है लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए मतपत्रों के प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि मतपत्रों में चारों प्रत्याशियों में से सबसे ऊपर भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होगा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का, इसी तरह तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया और चौथे नंबर पर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आएगा। अब राज्यसभा चुनाव अप्रैल में होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार में तेजी आ रही है। हालांकि अभी भी इसकी ट्रेजेक्टरी को बदलना संभव है। WHO ने इस महामारी को रोकने के लिए उठाए जा रहे
भारत सरकार के कदमों की सराहना की है। WHO ने कहा है कि पोलियो की तरह भारत इसे भी खत्म कर सकता है। WHO के प्रमुख ट्रेडोस अदनोम ग्रेबेसस ने कहा कि कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद उसका आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लगे थे, जबकि 1 लाख से बढ़कर 2 लाख पहुंचने में मात्र 11 दिन और 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 दिन में इसने 1 लाख लोगों को संक्रमित किया है। लेकिन हम असहाय नहीं हैं, हम अब भी इस महामारी के बढ़ने की रफ्तार को काबू में कर सकते हैं। इस महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय आपात निदेशक डॉक्टर रॉड्रिको एफ्रेन ने एक बयान जारी कर कहा कि COVID-19 का प्रसार रोकने के लिए भारत व्यापक और मजबूत कदम उठा रहा है। क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित उसकी ताज़ा घोषणाओं में प्रभावित जिलों में लॉकडाउन और रेल, अंतर्राज्यीय बस व मेट्रो सेवाओं के साथ हवाई यातायात का स्थगन शामिल है। इन कदमों से वायरस का संक्रमण धीमा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने सोमवार को कहा कि COVID-19 की अभी तक हवा में फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं है। WHO का कहना है कि जिस तरह भारत ने पल्स पोलियो पर काबू किया है, इसी तरह भारत कोरोना वायरस पर भी काबू कर लेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के चलते वैसे ही शाहीन बाग में प्रदर्शन से लोग गायब होना शुरू हो गए थे। अब शाहीन बाग के साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी के दूसरे हिस्सों में चल रहे धरनों को खत्म कर दिया है। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी रोड खाली कर दिया गया है। इसके अलावा जाफराबाद, तुर्कमान गेट और हौजरानी का धरना भी पुलिस ने खत्म कर दिया है। लंबे समय से देश भर में चले आ रहे ये CA विरोधी धरने कोरोना वायरस के कारण खुद ही खत्म हो गए। जो बचे थे उन्हें महामारी के अलर्ट के बीच खत्म करा दिया गया है। कोरोना वायरस की महामारी से भारत समेत पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया की करीब 2 अरब आबादी फिलहाल लॉकडाउन में है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लगभग पूरे भारत में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो धरने प्रदर्शन महीनों से चल रहे थे वो भी फिलहाल खत्म कराए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कई धरने अपने आप ही खत्म हो गए थे। CA NRC के खिलाफ चर्चा का केंद्र बना शाहीन बाग की महिलाओं का धरना भी 24 मार्च की सुबह खत्म हो गया। पुलिस और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जब महिलाओं ने खुद धरना खत्म नहीं किया तो मंगलवार की सुबह भारी सुरक्षा बल शाहीन बाग पहुंचा और टेंट हटा दिया। इस तरह 15 दिसंबर से चला आ रहे धरने का अंत हो गया।
अच्छी बात यह रही कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से धरने को खत्म करने में सफल रही। शाहीनबाग के साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी के दूसरे हिस्सों में चल रहे धरनों को भी खत्म करा दिया। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी रोड खाली करा दिया गया। इसके अलावा जफराबाद, तुर्कमान गेट और हौजरानी का धरना भी पुलिस ने खत्म कर दिया। दिल्ली के शाहीनबाग का धरना खत्म होने के अलावा देश के बाकी हिस्सों में इसी तर्ज पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का भी फिलहाल अंत हो गया है। यूपी के देवबंद से लेकर अलीगढ़ और प्रयागराज के धरना स्थल को खाली करा लिया गया है। मुंबई और लखनऊ में भी शाहीनबाग की तर्ज पर हो रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग मिलने के बाद भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी बीच ग्वालियर से भी दो युवकों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना से संक्रमित युवकों में एक खजुराहो से तो दूसरा दुबई से आया था। दोनों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों युवकों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके बाद ग्वालियर में भी कर्फ्यू लगाया गया है। ग्वालियर में दो मरीजों की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सीएमएचओ के मुताबिक ग्वालियर के चेतकपुरी इलाके में रहने वाला युवक खजुराहो से वापस लौटा था, जिसके बाद उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम पाए गए हैं, जिसके बाद उसे मुरार जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसके ब्लड सैंपल डीआरडीओ भेजे गए, जहां उसकी जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। फिलहाल इसे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं दुबई से लौटे शिवपुरी के युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसका इलाज भी शिवपुरी जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है दोनों मरीजों की जांच रिपोर्ट बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आई है, लिहाजा एक बार फिर उनकी ब्लड सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। ग्वालियर में 9 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट और आना बाकी है। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में, शनिवार को भर्ती हुआ था। उसका सैंपल गया था, डीआरडी भेजा था पहला सैंपल, वो बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आया हुआ है। अभी मुरार में भर्ती में मरीज तो एक शिवपुरी से आया था, मरीज एक भर्ती शिवपुरी में, वहाँ का सैंपल था और एक हमारा सैंपल, दोनों ही बॉर्डर लाइन पॉजिटिव पाए गए। अभी एक पेशेंट जो है कोरोना का मिला है, जो चेतकपुरी में रहता था, वैसे मूलतः वो इलाहाबाद का प्रयागराज का रहने वाला है। तो अभी एक पेशेंट मिला है, तो अब हम लोग जो है उसके कांटेक्ट ट्रैक करा रहे हैं कि किनके किनके संपर्क में आए हैं, और उनको भी हम होम क्वारंटाइन करेंगे। मेरा आग्रह सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षा और सावधानी बरतें। अभी ग्वालियर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों के भीतर रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरा संवेदनशीलता से ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए उनके कल्याणकारी फैसले लागू किए गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई माह का चावल का एकमुश्त वितरण करने का फैसला किया है। इसके लिए खाद्य विभाग ने आवंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई के चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण अप्रैल में करने का आदेश जारी कर दिया है। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्याह्न भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद किया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा परमिट लाइसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय सीमा एक माह बढ़ा दी गई है। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी 1 अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाणिज्य कर विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षक दरें जो 1 अप्रैल से लागू होती हैं उसे एक माह बढ़ाकर अब 1 मई कर दिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर भी 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला भी भूपेश बघेल सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में भी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हमने 31 मार्च तक शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी। अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराना दुकानें, जनरल स्टोर, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा सतत रूप से जारी रहेगी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति,
जल प्रदाय सेवाएं, नगर निगम की साफ सफाई और कचरा निपटान सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी। नागरिकगण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 104 एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नंबर डायल कर संपर्क करें। यह निर्णय कठोर है, लेकिन आपके आपके परिवार के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छिंदवाड़ा को लॉकडाउन कर दिया गया है। सभी को घरों से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने सभी के आवागमन पर रोक लगा दिया और बेमतलब घूमने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी को निर्देश दिए हैं कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। पुलिस द्वारा कुछ विशेष लोगों को ID दिखाकर जाने की अनुमति दी जा रही है। पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है घरों से बाहर निकलना निकले, और जो समय निर्धारित किया है दुकान खुलने के लिए वो भी खाद्यान्न, सब्जी, फल और दूध की दुकानें 12 से 3 बजे के बाद खुलेंगी, और जो भी अनाधिकृत रूप से वाहन लेकर निकल रहे हैं उनके वाहनों को रोक कर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 तक ये कम जारी रहेगा। सिंगरौली में कोरोना वायरस को लेकर कलेक्टर ने जनता को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने घरों में रहें। सिंगरौली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कोई भी कालाबाजारी ना करे, अन्यथा उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली कलेक्टर KVS चौधरी और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस के चलते सभी को सावधान रहने को कहा। कलेक्टर ने बताया कि 12 लोग विदेश से आए हैं, इन लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, कोई भी अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। साथ ही जिले में दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूर, छात्र या अन्य व्यक्तियों की संख्या 100 के लगभग बताई जा रही है। सभी को निगरानी में रखा गया है। अभी तक जिले में कोई भी मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं पाया गया। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है 14 दिन तक घर में ही रहें। जिले में 144 धारा लागू की गई है। लोगों की जिंदगी अनमोल है, लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। जो भी निर्देश मिल रहे हैं उसका पालन करें। कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान कुछ शर्तों के साथ खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। लोग अनावश्यक रूप से स्टॉक ना करें। कालाबाजारी कोई करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी जिले में किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई लक्षण पाया गया व्यक्ति भी नहीं है, ना कोई पॉजिटिव वाला व्यक्ति तो है ही नहीं है, इसलिए लोगों को कोई भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की महामारी है कि जितनी भी और प्रिवेंशन ले,
और क्या कहेंगे माने तैयार रहे तो उतनी मतलब बेहतर है। इसीलिए जो 3 दिन के लिए जो माने पूरा का पूरा 144 धारा के अंतर्गत लोगों को घर पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, इसको सब लोगों को अक्षरशः पालन करना है। और आवश्यक वस्तुओं के लिए हम लोग बार बार मैं बता रहे हैं कि समय दिया जा रहा है, और हम लोग ये भी कार्रवाई कर रहे हैं कोई ना कोई मतलब सामग्री उसको होर्डिंग ना करे, इकट्ठा ना करे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और लोगों को समय मिल जाएगी आराम से अपनी आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने कहा कि हमारे पुलिस के जवान सभी को जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत दुरुपयोग ना करें। बरगांव में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जनता को लगातार अवेयर किया जा रहा है, पुलिस के हमारे बीट स्तर के कर्मचारी सभी लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि सबसे अच्छा प्रिवेंशन यही है कि आप लोग अपने घर में रहेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। इन विषम परिस्थितियों का फ़ायदा उठा के किसी भी तरह के आवश्यक वस्तुओं का दूध फल सब्जी गैस सिलेंडर्स इनका कोई स्टोरेज यदि करेगा, इसका अनावश्यक रूप से अपने कोई व्यापारी हमारे संग्रहण करके रखेंगे तो उनके खिलाफ़ नियमानुसार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से सोशल मीडिया पर यदि किसी भी तरह का दुष्प्रचार किया जाएगा, जैसा कि कल बरगवा में घटनाक्रम हुआ है, उसमें इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया गया कि यहाँ पर इस कोरोना से ग्रसित व्यक्ति पाए गए हैं, तो वो जबकि सर्वथा झूठी खबर थी और उस पर से हमने 188 505 IPC के तहत और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 54 के तहत उसे प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है। कोरोना से बचने के लिए मध्य प्रदेश के कई शहर लॉकडाउन है, ऐसे में मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली अंतर्राज्य सीमा को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश को लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान अंतर्राज्य सीमा चाक घाट पर पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग की गई और सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वाहन और लोगों को आने जाने की छूट दी जा रही है। ऐसे में हमारे जवान संवाददाता दुर्गेश यादव ने इलाके का जायजा लिया और सुरक्षा कर्मियों से बात की। कोरोना वायरस का कर्फ्यू जो लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है और जिस तरीके से अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 144 लगाई गई और लॉकडाउन का आदेश दिया गया अभी कल जिला प्रशासन जिला कलेक्टर द्वारा, उसी सिलसिले में हम इस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय बॉर्डर चाक घाट पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन साथी से अनुरोध करूँगा कि जहाँ हम घूम रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर से आने जाने वाले हर एक शख्स की जाँच की जा रही है, क्यों आया है, क्यों जा रहा है, तो उनकी जाँच की जा रही है, उनकी पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ करने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है उनके घर, और किस तरीके से ये लोग संभव कर रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाक घाट थाना प्रभारी प्रशिक्षु DSP स्वामी कुंडी जी भी मौजूद हैं। मैं कुछ बातें करूँगा तो सर किस तरीके से ये यदि उनको अति आवश्यक काम है यदि उनका परमिशन है तो वो लोग पहले अपना मेडिकल चेकअप कराएं, उसी के पश्चात हमारी सीमा में लगातार गहन जांच जारी है बॉर्डर पर, अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चाक घाट पर, और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हैं हमने देखा, मैं अपने कैमरामैन साथी से कितने सैकड़ों की संख्या में ट्रक लाइनों से खड़े हैं और इनके पंजे थम से गए हैं, इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग दुखे लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और उनको भी पूछताछ के दौरान ही उनको जाने दिया जा रहा है उनके घर। कैमरा पर्सन राजन शुक्ला के साथ मेहर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी से डटे हुए हैं और लोगों को घरों में रहने की समझाइश दे रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने की जिम्मेदारी वाले सभी विभाग व पुलिस कर्मी सुबह से ही अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। मेहर में कोरोना वायरस से निपटने जिले के लिए कलेक्टर ने 24 और 25 मार्च को पूरे सतना जिले को लॉकडाउन किया है, जिसके तहत मेहर में सभी सुबह से SDM सुरेश अग्रवाल, तहसीलदार रमेश कोल, थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान सहित पुलिस बल क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने का निवेदन कर रहा है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। समझाइश को अनदेखा करने वालों को उठक बैठक के साथ लाठियां भी खानी पड़ी। इस आपदा की घड़ी में पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन, घंटाघर चौक, किला चौक, पुरानी बस्ती, कटरा बाजार, स्टेट बैंक चौक सहित देवी जी धाम अन्य स्थानों पर मौजूद रही। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अपने घरों पर रहकर शासन प्रशासन का सहयोग करें। जबलपुर में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सिवनी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान प्रशासन अलर्ट रहा।
जिले के कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी। इस दौरान बिना मतलब घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। सिवनी में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने 25 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद से ही लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। सभी सीमाओं को लॉक करते हुए आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसका असर देखने को मिला। लगातार हर गली मोहल्ले में मोबाइल वैन के द्वारा सूचित किया गया है कि सभी अपने घरों में रहें, नियमों का पालन करें। कलेक्टर और पुलिस कप्तान खुद अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। जो भी व्यक्ति घूमते हुए नजर आया, उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया गया। पुलिस ने कुछ लोगों के पर्चे के साथ फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस ने भी रात में बेवजह घूम रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। हम सभी लोग, आप देख रहे हैं कि सभी जगह गली मोहल्लों और सब दुकानों और सब जगह को जो है बंद करवा रहे हैं। लोग अनावश्यक जो नियमों के विरुद्ध अगर घूम रहे हैं तो उनको भी अंदर जाने की हिदायत दी जा रही है। और इसी आपके मंच के माध्यम से मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि कोरोना को देखते हुए और जो हमारे शासकीय इंतजाम है, उन इंतजामों को प्रशासन का सहयोग करें। सुरक्षा के इंतजाम के लिए अभी संयुक्त रूप से SDM साहब की मोबाइल, तहसीलदार साहब की, CEO साहब की और मेरी स्वयं की मोबाइल और TI थाना प्रभारी लखनऊ दौन की मोबाइल लगातार कस्बा में भ्रमण कर रहे हैं और जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर इनको जन जागृत किया जा रहा है कि सब ना निकले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।